आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल पास्ता टमेटो सल्सा। जिस स्टाइल में हम बना रहे हैं वो बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट आएगा और आप पसंद से खाएंगे। और वेरी सिंपल मेथड भी है, खूब सारा वेजिटेबल्स डाल के सिंपल मसाला डाल के बनाएंगे बेहतरीन टेस्ट के साथ हमारे पास्ता। और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लाने के लिए हम ऐड किए हैं कॉर्न। कढ़ाई गर्म कर होने के बाद 1 स्पून ऑफ ऑयल डाल के उसी में फ्राई किए हैं। 1 ऑनियन, ऑनियन फाइन काट के डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑनियन ऐड कर सकते हैं। हमने ऑनियन इसलिए कम डाले हैं, बाकी कैप्सिकम एंड कॉर्न बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, इसलिए ऑनियन थोड़ा ही लिए हैं। आप डिफरेंट टाइप्स में बना सकते हैं इसे। जिस मेथड में हम बना रहे हैं ना, उस मेथड में कैबेज, कॉलीफ्लावर खूब सारा डाल के, कुछ भी है वेजिटेबल डाल के बनाएंगे। जो भी नहीं खाने वाले भी मांग मांग के खाएंगे। बस अभी हमारे ऑनियंस फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब ऐड करेंगे येलो कलर बेल पेपर। सारा सब्जी यूनिफॉर्म दिखने के लिए हमने दोनों कलर्स की बेल पेपर्स क्यूबिकल शेप में काट के डाले हैं। येलो पेपर थोड़ा फ्राई करने के बाद डालेंगे रेड बेल पेपर। देखिए कितना बढ़िया कलर है, नेचर में कितना ब्यूटीफुल कलर्स है ना, अभी खाने का मन कर रहा है ऐसे ही। पास्ता या नूडल्स में हम जो वेजिटेबल्स डालते हैं बहुत ज़्यादा पकने नहीं देंगे, थोड़ा कच्चे ही रहने देंगे। जब भी खाएंगे तो क्रंची टेस्ट में ही मज़ा आता है। बेल पेपर डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, विद इन नो टाइम पक जाती है। अब ऐड करेंगे इसमें कॉर्न। कॉर्न पहले से लगभग 100 to 150 grams पहले से बॉयल करके रखा हुआ, इसमें ऐड करेंगे। सारे वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ता एक ऐसा डिश है, इसमें जितना वेजिटेबल्स डालें उतना ही टेस्टी होगा। इट विल बी वेरी टेस्टी एंड ईजी टू ईट ऑल्सो। इसे अभी कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, मे बी हाफ ए मिनट। अब गैस बंद करके ठंडा होने देंगे। अब पकाएंगे पास्ता। पास्ता पकाने में थोड़ा केयरफुली पकाएंगे। जितना क्वांटिटी पास्ता, जैसे कि लगभग 100 ग्राम पास्ता है तो उसका ऑलमोस्ट डबल या इवन 3 times भी पानी बॉयल करके उसमें 1 स्पून ऑफ तेल ऐड करेंगे, तब पास्ता ऐड करके पकाएंगे। पास्ता गर्म पानी में डालने के बाद 4 to 5 minutes के लिए पकाएंगे। पास्ता अच्छे से पकने के बाद गर्म पानी से निकाल देंगे और इसमें 1/2 स्पून ऑफ तेल डाल के मिक्स करके रखेंगे ताकि ये खिला खिला रहे, चुपके ना। अब वेजिटेबल्स में स्वाद अनुसार ऐड करेंगे नमक लगभग 1/2 स्पून। जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशन है, पास्ता और नूडल्स में नमक की क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। देखिए कलर्स कितना अच्छा है वेजिटेबल्स का। इवन ग्रीन कैप्सिकम डालते तो और भी अच्छा होता, मगर वो अवेलेबल नहीं था तो यही डाले हैं हम। अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। पास्ता एक बार चेक करेंगे, देखिए इस तरह चेक करेंगे अगर कुक हो गई कि नहीं। हाँ, ये तो अच्छे से पक गई हैं। आपने नोटिस किया होगा 1 स्पून ऑफ तेल में ही सारा डिश तैयार हो गई है। या इवन विद इंस्टेड ऑफ ऑयल आप बटर भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही लेस क्वांटिटी में। अब पास्ता का क्वांटिटी, वही बॉयल किया हुआ पास्ता है ना, लगभग 100 ग्राम होगा, मतलब कि 1/4 part ऑफ वेजिटेबल्स। खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाए हैं तभी ये बहुत ही टेस्टी होगा। विकफील्ड कंपनी का पास्ता लाए हैं, वही इंस्टेंट पास्ता, उसी में मसाला पाउडर भी है, वो अभी इसमें ऐड करेंगे। मसाला पाउडर की वजह से बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस बनी है, आप भी बना के देखिए, बहुत इजी है। मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। इतना कलरफुल, इतना राइट क्वांटिटी, राइट कंसिस्टेंसी में पास्ता बनाए तो कौन नहीं खाएंगे, बच्चे भी पसंद से खाएंगे, जो नहीं खाने वाले भी मांग के खाएंगे। हमारी टोमेटो सल्सा तैयार हो गई है, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे गर्म खाना ही अच्छा लगता है। विंटर का मौसम है, ऐसे इंस्टेंट डिशेस बना के खाने में बहुत मज़ा आता है, वो भी गर्मा गर्म। और भी डिफरेंट फ्लेवर चाहिए तो इवन बेसिल लीफ छोटे छोटे काट के ऐड कर सकते हैं। विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हमारी टोमेटो सल्सा तैयार हो गई है। आप बच्चों को इसी तरह बना के खिलाइए, खूब सारे वेजिटेबल्स खाएंगे। आप भी ये डिश ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा बनी है तो कमेंट में बता दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। बहुत जल्द मिलेंगे एक बेहतरीन डिश के साथ।